हेलो बच्चों, तो स्वागत है फिर से तुम्हारा एक बार से केमिकल काइनेटिक्स के ऑनलाइन लेक्चर में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आपके रेट कॉन्स्टेंट की, हमने उसकी यूनिट्स वगैरह देखी थी, उस पर क्वेश्चन वगैरह करे थे। आई होप तुमसे हो गए होंगे जो भी मैंने दिए थे। तो बच्चों, आज हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली काइनेटिक्स में हम जनरली कितनी तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, काइनेटिक्स में हम दो तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो बच्चों देखो, एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है? मान लो कोई रिएक्शन है ए से बी जा रही है, यानी कि कोई रिएक्शन है ए से बी सिंगल स्टेप में हो गई, ठीक है। सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन बच्चों कौन सी होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चों कौन सी होती है? देखो, मान लो ए से बी बन रहा है, पहले देखो ए से सी बना, सी से डी बना, फिर डी से बी बना, यानी कि मिला हमें ए से बी ही, बट वो कितने स्टेप में मिला? तीन स्टेप में। तो बच्चों, कुछ रिएक्शन तो ऐसी होती हैं जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं, और कुछ होती हैं जो दो तीन स्टेप में होती हैं, ठीक है। तो बच्चों, जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो सिर्फ सिंगल स्टेप में या एक स्टेप में ही हो जाती हैं। बच्चों इस ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, ऐसे नहीं पता चल सकता कि हम देख के किसी को नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन दो तीन स्टेप में हुई होगी या एक ही स्टेप में हुई होगी। ये भी एक्सपेरिमेंटल ही है मामला। तो बच्चों देखो, 2HI से क्या फॉर्म हो रहा है? H2+ में I2। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गई, तो ये कैसी होगी? एलिमेंट्री रिएक्शन। या फिर 2NO से O2 मिला, क्या फॉर्म कर लिया? NO2। तो ये रिएक्शन भी कैसे होगी? एक स्टेप में। तो जो भी रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए वो क्या होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। रिएक्शन विच टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, या मल्टीपल या बोल लो मैनी स्टेप्स, ऐसी रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप में हों वो क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और बच्चों हाँ, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल था, जो इसकी हर एक रिएक्शन होगी ना वो किसकी तरह एक्ट करेगी? एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह। यानी कि एक मान लो ए से बी बन रहा है, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बट इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो हर एक स्टेप होगा ना वो एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो हमने इस बात को भी लिख दिया, डिफरेंट स्टेप्स इन विच द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और हाँ, इससे पहले हमने डिफाइन करा, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एक्ट एज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, कि जो भी हर एक स्टेप होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह ही एक्ट करेगा। फिर बच्चों हाँ, जो भी स्टेप ऑफ रिएक्शन है ना बच्चों, अलग अलग स्टेप में रिएक्शन हो रही है, इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस बात को भी हमने डिफाइन कर दिया, डिफरेंट स्टेप्स इन विच द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि जो भी डिफरेंट स्टेप है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बच्चों, ठीक है। अब देख लो, ठीक है बच्चों। और हाँ, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप विच इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बच्चों देखो, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो तीन चार स्टेप में हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों किस पे डिपेंड करेगा? क्या सारे के सारे स्टेप पे डिपेंड करेगा? नहीं बच्चों, वो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? जो भी तीनों चारों में से जो भी स्लो स्टेप हो रहा होगा उसी पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। कि मान लो तीन चार स्टेप हो रहे हैं, तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा उन तीन चार स्टेप में से, उसी पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या ये बोल दो RDS। बच्चों इस बात को तुम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो, मालूम है कैसे? देखो मान लो कोई कार की कंपनी है, कोई कंपनी कार बनाती है, कोई फैक्ट्री कार बनाती है। अब उसके अंदर अलग अलग 8-10 डिपार्टमेंट है, कहीं पे स्टीयरिंग बन रहा है, कहीं पे टायर बन रहे हैं, कहीं पे कार की बॉडी बन रही है, कहीं पे कार की सीट बन रही है, यानी कि हर जगह अलग अलग कार का कुछ बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब रेट ऑफ कार प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा? ज़रा सोचो, मान लो कि सबसे स्लो स्टीयरिंग व्हील बन रहे हैं, यानी कि बाकी सब चीज़ें तो बन रही है एक दिन में, वो स्टीयरिंग व्हील बन रहे हैं 3 दिन में, ठीक है। अब बच्चों रेट ऑफ कार प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन सोच के देखो किस पे डिपेंड करेगा? जो सबसे स्लो स्टेप हो रहा है, जो सबसे स्लो प्रोसेस हो रहा है स्टीयरिंग बनना, तो रेट ऑफ कार प्रोडक्शन बच्चों उस केस में किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ स्टीयरिंग पे, कि वो स्टीयरिंग कितनी रेट से फॉर्म हो रहा है ना, बिना स्टीयरिंग के तो कार कैसे ही बनेगी। तो बच्चों उस केस में रेट ऑफ कार प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? कि जो भी सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, यानी कि स्टीयरिंग। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप पे, है ना। जब तक बच्चों स्टीयरिंग बनेगा नहीं तो कार कैसे रेडी होगी, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सबसे स्लोएस्ट स्टेप पे, ठीक है बच्चों। तो बस इसी को हमने बोल दिया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो भी स्टेप सबसे स्लो होता है रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, उसको क्या बोल देते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, अभी एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, तुम्हें और चीज़ें समझ आएंगी। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है 2NO2+F2 गिव्स 2NO2F। बच्चों मान लो बस ये रिएक्शन हमें गिवन हो, ऊपर ऊपर वाले, है ना, कि लाइक ऊपर ऊपर वाली रिएक्शन गिवन हो। अब तुम क्या बता पाओगे कि ये एलिमेंट्री है कॉम्प्लेक्स? नहीं,
जब तक तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके पता नहीं चलेगा, या तो जब तक तुम्हें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तुम नहीं बता सकते कोई रिएक्शन एलिमेंट्री होगी या कॉम्प्लेक्स होगी। तो बच्चों देखो, ये रिएक्शन गिवन है। अब ये मालूम है दो स्टेप में होती है रिएक्शन, मालूम है कैसे? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दो स्टेप में होती है। देखो कैसे, पहले एन ओ टू से क्या बनेगा, एफ टू। वो एन ओ टू और एफ टू मिलेंगे और क्या देंगे, एन ओ टू एफ प्लस में एफ, ठीक है। अब ये जो एन ओ टू प्लस एफ और ये दोनों बने हैं ना प्रोडक्ट, ये रिएक्ट करेंगे एक और फ्लोरिन से और क्या बना लेंगे, एन ओ टू एफ। तो बच्चों ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन, पूरी रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, दो स्टेप में। इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट ये थे, प्रोडक्ट ये मिले, दो स्टेप में मिले, ठीक है बच्चों। ऐसी रिएक्शन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे। तो बच्चों इधर से रेट क्या आ सकता है हमारा, रेट इक्वल टू के एन ओ टू की पावर एफ टू, ठीक है। तो मतलब एन ओ टू की पावर एफ टू की स्लो स्टेप वाला ही रेट होगा। इसके आगे के और आ जाएगा, इसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, उसको हम बोल देंगे ऑर्डर। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे। आई होप तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आइडिया लग रहा होगा। बच्चों तो अगले पेज पे बढ़ते हैं, तुम्हें चीज़ें और समझ आएंगी और एग्जांपल के साथ। तो बच्चों देखो, उधर से हमने वही रेट को लिख दिया, रेट क्या हो गया, रेट किसके इक्वल हो गया, के एन ओ टू एफ टू, यानी कि जो भी स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और हमने इसको क्या लिख दिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इन दोनों की पावर वन वन होगी, ठीक है बच्चों। एक अगला एग्जांपल देख लो, ठीक है, अगला एग्जांपल देख लो बच्चों। जैसे टू एन टू ओ फाइव से हमें मिला फोर एन ओ टू ओ टू। तो बच्चों ये भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये भी कितने स्टेप में होगी, दो स्टेप में। तो पहले एन टू ओ फाइव से एन ओ टू प्लस एन ओ थ्री बनेगा, फिर एन टू ओ फाइव और एन ओ थ्री मिलेंगे, क्या बना लेंगे, थ्री एन ओ टी प्लस थ्री एन ओ टू प्लस में ओ टू, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एन टू ओ फाइव, ठीक है बच्चों। और हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना, तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तुम अगर तुम्हें मैकेनिज्म पता है तब भी तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, ठीक है। देखो रेट इज इक्वल टू के एन टू ओ फाइव, इधर एन टू ओ फाइव के आगे क्या है, वन है, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, वन। ये जो स्टोशियोमेट्री है ये पावर में चली जाएगी अगर हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पता हो और उसका स्लोएस्ट स्टेप पता हो, ठीक है। और जनरली ये सब बातें हमें कैसे पता चलती हैं, एक्सपेरिमेंटली। तो बच्चों आई होप तुम्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आइडिया लग गया होगा। अब बात कर लेते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है बच्चों, देखो जब मान लो ए प्लस बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी, ठीक है। यानी कि जब भी कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कोई भी रिएक्शन मालूम है कैसे होती है, जब भी दो मोलिक्यूल या तीन मोलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अगर वो मोलिक्यूल ना टकराएं तो रिएक्शन नहीं होगी। तो बच्चों मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, बड़ी सिंपल सी बात, कोई भी मोलिक्यूल, जितने भी मोलिक्यूल आपस में टकराएं और एक केमिकल रिएक्शन को करवा दें, उसी को क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो देखो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बच्चों, देखो सिंपल सी बात, जैसे मान लो ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, तो ठीक है ए प्लस बी से क्या बन रहे हैं, सी प्लस डी बन रहे हैं, ठीक है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या बच्चों, जितने ही मोलिक्यूल आपस में टकराएंगे एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, वही क्या हो जाएगी तुम्हारी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बच्चों पहली बात इसके लिए होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी, जो एक स्टेप में हो जाए, ठीक है। और मोलिकुलरिटी क्या होती है, जितने ही मोलिक्यूल आपस में टकराएं एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो हमने डिफाइन कर दिया, देखो इनको, नंबर ऑफ आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, की कोई भी आयन एटम और मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, कि उनको आपस में टकराना होगा एक साथ साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ टकराना होगा एक विद ईच अदर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, कि जितने भी एटम मॉलिक्यूल वगैरह एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिएक्शन को क्या करा रहे हैं, प्रोसीड करा रहे हैं, रिएक्शन को करवा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड मतलब टकराना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है। तो बच्चों देखो सिंपली नंबर ऑफ एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, वही क्या है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, कि जितने भी एटम आयन या मॉलिक्यूल तुम्हारे एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और हाँ, हमने ये लिख दिया, इट इज़ वैलिड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन किसके लिए वैलिड होती है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही वैलिड होती है, ठीक है। और हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ना बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर बच्चों क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट, या यूँ बोल लो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन,
ठीक है। एलिमेंट्री और एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है बच्चों, मोलिकुलरिटी के इक्वल, या यूँ बोलो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट। तो ठीक है, हमने इन सब बातों को लिख दिया। और हाँ, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, कि मोलिकुलरिटी ऑफ जो ऑफ रिएक्शन होती है हमेशा होल नंबर ही होती है, कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी नहीं होती, जीरो या फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होती। ठीक है, आई होप तुम्हें आइडिया लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, एग्जाम्पल 1, NH4NO2 गिव्स N2+ में 2H2। NH4NO2 को हम हीट वगैरह करते हैं, क्या मिलता है N2+ में 2H2। तो बच्चों इसके अंदर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, ये सारी एलिमेंट्री रिएक्शन है हमें मालूम है। तो इसके अंदर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1, कि जितने भी मोलिक्यूल वगैरह होंगे वही क्या हो जाएगी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी इसके अंदर 1 हो गई, इसको हमने यूनिमोलिकुलर भी बोल दिया। यूनिमोलिकुलर मतलब 1 मोलिकुलर, यूनि मतलब 1। ठीक है, अब बच्चों मान लो 2HI गिव्स H2+ में I2। ठीक है, इसके अंदर कितने मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, 2, तो इसलिए इसकी मोलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2, इसको हमने बाय मोलिकुलर बोल दिया। ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, 2NO+ में O2 गिव्स 2NO3, इसके अंदर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या होगी, 3, क्योंकि 3 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, ट्राई मोलिकुलर। और हाँ बच्चों याद रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितनी मोलिकुलरिटी उतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इन सब का ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत लिंकअप हो पा रहा होगा। और बच्चों डिफरेंशिएट कर लेते हैं ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में। देखो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो क्या लिखोगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो कि ऑर्डर क्या है, जो भी रेट लॉ के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट कॉन्स्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनकी जो भी पावर होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जितने भी मोलिक्यूल आयन वगैरह आपस में टकराते हैं केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं, वो होती है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। दोनों को डिफाइन कर दो सबसे पहले, बहुत बढ़िया। अब लिख दो ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से हमें इससे मिल सकता है। और मोलिकुलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जो मोलिकुलरिटी है वो हम एलिमेंट्री रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी ये होगी। इसको हम एक्सपेरिमेंटली तो जज कर ही सकते हैं, बट इसे हम देख के ही बता सकते हैं। मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन दियो, तुम उसके अंदर देख के बता सकते हो कि कितने मोलिकुल रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट में, तो वही क्या हो जाएगी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो एंड इन फ्रैक्शन, हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ना ही जीरो हो सकती है। जीरो होने का मतलब बच्चों क्या है, कोई मोलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर रहा, तो मतलब फालतू की बात हो जाएगी ना, जीरो हो गई तो, यानी कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, और हाँ ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी में फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी, दोनों के अंदर ऑर्डर की बात की जा सकती है। बट मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बच्चों सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आई होंगी आज के लेक्चर में, नहीं आई हो तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।